नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco C3 versus Samsung Galaxy M21 2021 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco C3 में 6.49 इंच जबकि M21 2021 में 6.26 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Poco C3 से कम है। विड्थ की बात करें तो Poco C3 में 3.03 इंच जबकि M21 2021 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco C3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco C3 में 0.35 इंच जबकि M21 2021 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco C3 में 194 ग्राम्स जबकि M21 2021 में 192 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Poco C3 में IPS LCD जबकि M21 2021 में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Poco C3 में 20:9 जबकि M21 2021 में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco C3 में 6.53 इंचेस जबकि M21 2021 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco C3 में 720x1600 और M21 2021 में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco C3 में 81.08% जबकि M21 2021 में 84.02% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco C3 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M21 2021 में 403 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco C3 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और M21 2021 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco C3 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M21 2021 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco C3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और M21 2021 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco C3 में पावर GE8320 जबकि M21 2021 में माली G72MP3 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco C3 में MediaTek Helio G35 और M21 2021 में Samsung Exynos 9 Octa 9611 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco C3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है जबकि M21 2021 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco C3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि M21 2021 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco C3 में Android V10 Q जबकि M21 2021 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Poco C3 में 5000 mAh जबकि M21 2021 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो पोको C3 में 3 कलर्स जबकि M21 2021 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोको C3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 7,499 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M21 2021 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,399 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Poco C3 में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy M21 2021 की तो उसमें 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M21 2021 आगे है, मेन कैमरा में M21 2021 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M21 2021 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है, दूसरा Vivo Y20 है, तीसरा Oppo A53 2020 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M3 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।